हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3, क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट है ये, और पार्ट 1 है, लेसन है सुनामी। देखिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। आई लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4-5 मंथ। अगर आप देखें पहले का टाइम, तो आप यहां पर उन जगहों के नाम बताएंगे जहां जहां सुनामी मतलब नेचुरल डिजास्टर आए थे, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन। ठीक है, ये आपको बताने हैं। यहां पर रिसेंटली जो पिछले सेशन में आए थे। नाउ इन दिस लेसन यू विल रीड आउट अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। हाँ, इसमें सुनामी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 26 दिसंबर 2004 को आया था, और इसने इंडिया के अंडमान निकोबार पार्ट को, अब तमिलनाडु को, बहुत अफेक्ट किया था। देखिए, ये हिस्सा है, आपको मैप में दिखा देते हैं। ये हिस्सा है तमिलनाडु का और ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सुनामी इज वेरी लार्ज पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ए पार्ट है, और बी में है कैन यू आइडेंटिफाई प्लेस ए एंड बी। तो हमने आपको बता दिया कि ए क्या है, ए वाला पॉइंट आपका तमिलनाडु का पॉइंट है, तमिलनाडु, और जो बी है वो है अंडमान एंड निकोबार। तो सुनामी जानते हैं बहुत ज्यादा नुकसान, लॉस करती है लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी। कुछ कहानियां हैं स्टोरी में, इस लेसन में, साहस की, सर्वाइवल की, कि जब उस समय सुनामी आई थी 2004 में, तो कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई थी, कुछ लोग जीवित रहे थे। चलिए देखते हैं, बुक है आपकी हनीडू बुक, पेज नंबर 25-26 पे है। These stories are from Andaman and Nicobar archipelago. ठीक है, Ignatius was the manager of cooperative society in Kachar. जो ये है मैनेजर था, this is cooperative society Kachar में, वहां का। उसकी वाइफ 6 बजे सुबह उठी, वो की मत, और उसे उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ को अचानक अर्थक्वेक, भूकंप का महसूस हुआ, भूकंप महसूस हुआ। तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीफोन सेट ऑफ, जो टेलीविजन था उसको उसने सावधानी से बंद किया, एंड पुट इट डाउन ग्राउंड पे टीवी को रख दिया। क्यों रखा बच्चों, बताइए? अर्थक्वेक के टाइम पे कोई भी चीज ऐसे हिलने वाली है और पड़ी है आपके टेबल वगैरह पे, उसको फटाफट नीचे रख, ठीक है, इससे लॉस कम होता है। सो दैट वो गिरे नहीं, गिरेगा ना हिलके, पर टूटे नहीं। तो समझदारी दिखाई इग्निशियस ने। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ हाउस, पूरा का पूरा परिवार फटाफट घर से बाहर गया। अब जब वो ट्रेमर आया था, ट्रेमर मतलब उसके लिए बोला गया है सुनामी के लिए, आके वो खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। दे सा सी राइज, मतलब वो जब कपकपी सी हो रही थी ना, भूकंप की आ रही थी, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि समुद्र का लेवल उठ रहा है, और कंफ्यूजन है लोगों में, भगदड़ भी है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, दो बच्चे थे उनके, एक ने माँ के पिता यानी नाना जी, माँ का भाई यानी मामा, एक ने नाना जी का हाथ पकड़ा हुआ था और एक ने मामा का, और वो जो समुद्र देख रहे थे, समुद्र जानते हैं कितना ऊंचा उठ रहा था, देखिए समुद्र किस तरह से वाइस हो रहा था, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग भागने लगे, भागने लगे। He never saw them again. इग्निशियस से उनको दोबारा नहीं देख पाया बच्चा। उसकी वाइफ भी बह गई, पानी के बहाव में तो बह जाएंगे ना। Only 3 other children who came with him
जो उसके साथ तीन बच्चे थे वो बच गए। ये तो कहानी है सर्वाइवल की, कौन बचा कौन नहीं बचा। संजीव वाजा पुलिसमैन एक और कहानी है, वो भी कछार में पुलिसमैन था आइलैंड पे, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचाया और बेबी डॉटर को बचाया वेव्स। बट देन ही हर्ड क्राइसिस, उसने क्राइस चिल्लाने की आवाज सुनी, हेल्प हेल्प हेल्प। जॉन की वाइफ की आवाज, तो जॉन कोई और था, गेस्ट हाउस था। अब संजीव ने वाटर में जंप किया उसको बचाने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों बह गए। देखिए ये करेज की कहानी, संजीव की अपनी पत्नी को और अपने बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन वो जॉन की बीवी और खुद को नहीं बचा पाया। साहस दिखाते हुए उसने अपनी जान गवा दी, बलिदान दिया एक तरह से कहें। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। एक 13 साल की मेघना बच्ची, वो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी बह गई, एंड 77 अदर पीपल के साथ। शी स्पेंड 2 डेज फ्लोटिंग, समुद्र में 2 दिन तक वो तैरती रही। एक वुडन फ्लोर का दरवाजा था, मतलब वुडन दरवाजा लकड़ी का, उसके ऊपर फ्लोट करे 2 दिन उसी को। 11 टाइप्स, मतलब 11 बार उसने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरते हुए देखा, बट उन्होंने इसको नहीं देखा। किसी तरह से वो किनारे आई। शी वॉज फाउंड वॉकिंग हालत में, बेचारी भूखी प्यासी नींद की हालत में चलती हुई दिखी, मिली और उसकी सहायता की गई। तो आपने देखा ये तीन कहानियां थी, जिसमें सर्वाइवल और करेज, सर्वाइवल मतलब होता है जिंदा रहने की, और बहादुरी की कहानी आपको नजर आई। ठीक है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पैसेज। चलिए सेंटेंस को पूरा करते हैं। मेघना स्पेंड 2 डेज किस पे, इन द सी। किस चीज में 2 दिन किया था उसने, फ्लोटिंग इन द सी। तो ये फ्लोटिंग वर्ड है ना, ये आएगा यहाँ पे फ्लोटिंग। शी सा, क्या देखा उसने, रिलीफ हेलीकॉप्टर, यहां आएगा रिलीफ हेली अपने ऊपर से, बट उन्होंने उसको नहीं देखा। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड, उसने किस किस को बचाया था, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर, बेबी डॉटर। इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज, किसको बचा पाया था वो, हमने पढ़ा था ना ऊपर, थ्री अदर चिल्ड्रन है ना, तो यही लिखेंगे इस थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम। चलिए अब डी पार्ट देखते हैं। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। ठीक है, यहां से देखना है, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड दैट आर नॉट श्योर ऑफ, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो। फिर देखिए, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव था संजीव पुलिस वाला, चेयरफुल ब्रेव, ब्रेव तो हो गया ही, केयरलेस हीरोइक था, सेल्फिश या हटलेस, सेल्फलेस था हीरोइक था, क्या था। तो देखिए हीरोइक तो था हीरो वाले इसके अंदर भूमिका, और सेल्फलेस भी था, अपने स्वार्थ की भावना नहीं थी। तो ये आ जाएगा पार्ट है, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। ठीक है, पास्ट टेंस लिखना, जो इटैलिक यानी टेढ़ा टेढ़ा लिखा ना, फील का, ठीक है, फेल्ट है, उसी का क्या होगा, सा एस ए डब्ल्यू, उसके बाद कम का के, तो पूरी लाइन लिखनी है आपको, है ना, यहां पे हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी।
सी द राइजिंग, क्या सी द सी राइजिंग, तो यहां पे लिखेंगे सा द सी राइजिंग, कर लोगे ना आप लोग ऐसे, यहां पर कम की जगह क्या हो जाएगा केम आएगा, बाकी पूरी लाइन हियर का क्या होगा हर्ड होगा, तो यहां पे इस तरह से लिखेंगे, देखिए हर्ड थ्राइस फोर हेल्प, ठीक है। ऐसे ये जो जंप है जंप्ड हो जाएगा और वेक का वॉक हो जाएगा, और पूरी लाइन आपको यहां पर लिख लेनी है। आई होप आप लोग कर पाएंगे। और रन का पास्ट टेंस बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।